नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं VTube Facts चैनल। दोस्तों, गौतम अडानी कारोबारी दुनिया का वो नाम है जिसने अपने जीवन में कभी भी छोटा नहीं सोचा। स्कूल ड्रॉप आउट गौतम अडानी ने अपने दम पर अडानी ग्रुप नामक एक विशाल साम्राज्य दुनिया के सामने खड़ा कर दिया। साइकिल पर सफर करने वाला व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत और लगन के दम पर वो कर दिखाया जिसकी कल्पना कर पाना भी किसी के लिए नामुमकिन था। उनके इस सफर के दौरान उनके विरोधी लगातार उन पर निशाना साधते रहे, लेकिन गौतम अडानी बिना किसी बात की परवाह किए लगातार आगे बढ़ते रहे। और फिर उनके जीवन में एक ऐसा दिन आया जब वो एशिया के सबसे अमीर शख्स बन गए और दुनिया के अरबपतियों की लिस्ट में उन्होंने तीसरा पायदान हासिल किया। लेकिन अब अमेरिकी रिसर्च फर्म हिडनबर्ग की एक रिपोर्ट ने अडानी साम्राज्य में खलबली मचा दी है, जिसके कारण ग्रुप और उनके निवेशकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। दरअसल दोस्तों, इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से ही ग्रुप की कंपनियों में भारी गिरावट दिखी जा रही है और इस गिरावट के कारण ग्रुप को 65 अरब डॉलर की चपत लग चुकी है। इसके साथ ही ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में भी 36.1 अरब डॉलर की कमी आई है। दोस्तों, अडानी साम्राज्य में आए हुए इस अनचाहे भूचाल के कारण गौतम अडानी दुनिया के टॉप 10 अमीरों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। अब अमीरों के लिस्ट में गौतम अडानी 11वें नंबर पर खिसक गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियनर इंडेक्स के मुताबिक अब उनकी नेटवर्थ 84.4 अरब डॉलर रह गई है। आपको बता दें तो हिडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने से पहले गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर थे, लेकिन पिछले हफ्ते इस इंटरव्यू ने अडानी पर आरोप लगाते हुए एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी और उसमें ये दावा किया था कि अडानी ग्रुप दशकों से खुल्लम खुल्ला शेयर में गड़बड़ी और अकाउंट धोखाधड़ी में शामिल रहा है। इसी रिपोर्ट के सामने आने के बाद से अडानी साम्राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। हालांकि दोस्तों, अडानी ग्रुप ने इस रिपोर्ट को झूठ करार देते हुए कहा कि यह उनके निवेशकों को डराने और उसे बदनाम करने की एक साजिश है। समूह ने अपने जवाब में कहा कि अडानी समूह का IPO लॉन्च होने वाला है, जो कि देश का सबसे बड़ा IPO होगा। इससे पहले ठीक ऐसी ही रिपोर्ट जारी कर हिडनबर्ग ने अपनी बदनीयत का सबूत दिया था, लेकिन हम उन्हें बता देना चाहते हैं कि अडानी साम्राज्य की नींव काफी मजबूत है और यह सिर्फ एक रिपोर्ट से हिलने वाली नहीं है। जमीन से लेकर आसमान तक, पानी से लेकर सड़कों तक, तेल से लेकर ग्रीन एनर्जी तक, हर सेक्टर पर अडानी समूह का कब्जा है। दोस्तों, ये कोई पहला मौका नहीं है जब भारत के किसी टॉप ग्रुप पर हमला किया गया हो। इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब विदेशी मीडिया द्वारा भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की गई है। इससे पहले रतन टाटा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था, जब फोर्ड कंपनी के द्वारा उनको नीचा दिखाने की कोशिश की गई थी। हालांकि तब रतन टाटा ने अपने ही अंदाज में इसका जवाब दिया था और फोर्ड की कंपनियां लैंड रोवर और जैगुआर को खरीद कर उन पर एहसान किया था। अब अडानी ग्रुप से भी लोग कुछ ऐसी ही उम्मीद कर रहे हैं कि वो इस रिपोर्ट का जवाब देंगे और अपने निवेशकों का डगमगाया हुआ भरोसा फिर से जीतेंगे। आप बताइए दोस्तों, आपका इस मामले में क्या सोचना है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ दोस्तों, ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल VTube Facts को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।